ભુજથી ગુજરાતી અને હિન્દીમાં તથા ગાંધીનગરથી ગુજરાતીમાં પ્રસિદ્ધ થતા અખબારોનું કચ્છનું પ્રતિષ્ઠિત જૂથ ચંચળ ગ્રુપ ઓફ ન્યૂઝપેપર્સ રજૂ કરે છે ચંચળ ન્યૂઝ, જેમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું કપિલ ગોસ્વામી. સમાચારોમાં સૌપ્રથમ નજર નાખીએ આજના મુખ્ય સમાચારો પર. કચ્છમાં મહાવીર જયંતીની ધૂમધામપૂર્વક ઉજવણી કરાઈ. IPL ના મનોરંજન સામે વેકેશનમાં પણ સિનેમાઘરો સુમસામ. ભુજમાં બ્લાઇન્ડ સ્નેક્સ જોવા મળ્યા. સર્પસૃષ્ટિનો અભ્યાસ જરૂરી હોવાનું જણાવતા અભ્યાસુઓ. કચ્છ જિલ્લામાં સાપો અવારનવાર જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે આપણે લોકો લાંબા સાપોથી વાકેફ હોઈએ છીએ, પણ સામાન્ય રીતે ઠંડા પ્રદેશોમાં જોવા મળતા સાપો હવે કચ્છ જિલ્લામાં જોવા મળી રહ્યા છે, જેણે સર્પસૃષ્ટિનો અભ્યાસ કરતા લોકોમાં સારું એવું આકર્ષણ જમાવ્યું છે. આ અંગે ભુજના જાણીતા ખગોળવિદ અને કચ્છની પ્રાણી સૃષ્ટિના અભ્યાસુ નરેન્દ્રભાઈ ગોરે ચંચળ ન્યૂઝને માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે તાજેતરમાં તેઓ જ્યારે ધીણોધર ગયા હતા ત્યારે તેને ખૂબ જ નાની સાઇઝના અળસિયા જેવા લાગતા આ સર્પ મળ્યા હતા. ત્યારે તેનો અભ્યાસ કરતા તેઓ હિમાલય વિસ્તારમાં જોવા મળતા બ્લાઇન્ડ સ્નેક હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આ ઉપરાંત ભુજ ખાતે પણ આ પ્રકારના સર્પ જોવા મળતા સર્પસૃષ્ટિનો અભ્યાસ કરતા લોકો માટે આ અચરજ જમાવે તેવો કિસ્સો છે. સામાન્ય રીતે બર્ફીલા અને ઠંડા રહેતા પ્રદેશોમાં આ બ્લાઇન્ડ સ્નેક રહેતા હોય છે, પણ કચ્છ જેવા પ્રદેશમાં કે જ્યાં તાપમાન 5 ડિગ્રીથી લઈને 48 ડિગ્રી જેટલો ફેર રહે છે તેવા વિસ્તારમાં આ પ્રકારના સાપોનું રહેવું તે નવાઈ પમાડે તેવું છે. આ અંગે માહિતી આપતા અભ્યાસુ વિનય કોલ્ટે જણાવે છે કે આ પ્રકારના સાપો જમીનની અંદર ભેજવાળા વાતાવરણમાં રહેતા હોય છે અને સાઉથ ગુજરાત અને હિમાલય વિસ્તારમાં કે જ્યાં ગરમી ઓછી પડે છે ત્યાં જોવા મળે છે, પણ કચ્છમાં હવે આ પ્રકારના સર્પો દેખાતા તે અભ્યાસનો વિષય છે. એ જો સાપ હૈ યે ઇનકા જો ગ્રુપ હૈ ઉનકો બ્લાઇન્ડ સ્નેક કહા જાતા હૈ. બ્લાઇન્ડ સ્નેક યાને યે બ્લાઇન્ડ રહેતે એસે નહીં, લેકિન ઉનકી જો આંખે રહેતી હૈ ઉનકી આંખો કે ઉપર એક સ્કેલ રહેતા હૈ, મછલી કા જૈસે સ્કેલ રહેતા હૈ વૈસે. सो डायरेक्ट एक्सपोज नहीं रहते आँखें, इसलिए उनको ब्लाइंड स्नेक कहा जाता है. और ज़मीन के नीचे रहने वाले ये सभी सांप है, ज़्यादातर जिस ज़मीन में नमी रहती है, थोड़ी गीली रहती है, वहाँ पे रहते हैं. और छोटे छोटे अर्थवर्म या फिर छोटे कैटरपिलर्स वगैरह ऐसे खाते हैं. ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है इन सांपों के बारे में. पर्टिकुलरली ये जो सांप अभी मेरे हाथ में है ये बीक्ड ब्लाइंड स्नेक हो सकता है. इसका जो मुंह रहता है उसका जो सामने वाला जो पोर्शन रहता है वो ऐसे थोड़ा ऐसे नुकीला ऐसे इस शेप में ऐसे रहता है, इसलिए उसको बीक्ड ब्लाइंड स्नेक बोलते हैं. एक 4-5 साल पहले तक इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया में गुजरात छोड़ के और हिमालय छोड़ के सब जगह पर था, लेकिन 2008 में राजू व्यास ने एक पेपर लिखा जिसमें गुजरात में जो कुछ लोकेलिटीज़ है इसकी, भावनगर है, उसके बाद अहमदाबाद है, उसके बाद डांग्स है, उसमें उन्होंने उस पेपर में लिखा था कि ये जो सांप है तब इसका नाम था टाइफ्लॉप्स एक्यूटस, अभी इसका नाम साइंटिफिक नाम हुआ है गायरो टाइफ्लॉप्स एक्यूटस. सो उनके हिसाब से ये भावनगर से साउथ गुजरात में था, लेकिन रिसेंटली जब हम दिनोदार गए थे तब इसका एक स्पेसिमन मिला था और अभी यहाँ पे एक स्पेसिमन मिला है. तो इस हिसाब से ये पूरे गुजरात में मिलता है. इंटरेस्टिंगली सदर्न पाकिस्तान में इसके रिकॉर्ड्स नहीं है. और एक इंटरेस्टिंग बात है इसके साथ कि ये गीली ज़मीन में रहता है. अभी कच्छ का अगर टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम देखेंगे तो मिनिमम 5 से लेके मैक्सिमम राउंड अबाउट 50-48 तक जाता है. सो इतना टेम्परेचर वेरिएशन में ये सांप कैसे क्या रहते हैं, कैसे सर्वाइव होते हैं, इसका अगर किसी को स्टडी करना हो तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. एक्चुअली ये PhD के लिए लायक सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कच्छ में 2 से 3 जाति मिलनी चाहिए इस सांप की. एक है टाइफ्लॉप ब्राह्मणस, वो ऑल ओवर इंडिया मिलता है, इट्स अ वेरी कॉमन स्नेक. लेकिन यहाँ पे जो पिंकिश दिखाई दे रहा है वो जो सांप है वो ब्लैकिश रहता है, इससे छोटा रहता है. राजू व्यास को आई थिंक मेरे हिसाब से गिर में एक सांप मिला था, यही वो 28 सेंटीमीटर का था लेंथ में. सो ये बहुत बड़े होते हैं, 28 सेंटीमीटर फॉर अ ब्लाइंड स्नेक इट्स अ ह्यूज लेंथ. ये छोटे अर्थवर्म खाते हैं और छोटे छोटे कीड़े जो ज़मीन के नीचे रहते हैं वो खाए जाते हैं.
बाकी ज्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि फूड में क्या आता है। तो ये क्या पूरी दुनिया में पाए जाते हैं? पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, और लेकिन जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स है यानी कि रन में या फिर हिमालयन रेंजेस में, अंटार्कटिका वगैरह इस एरिया में ये नहीं पाए जाते। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सांप पूरी दुनिया भर में क्यों पाया जाता है, इसके पीछे एक और लॉजिक है। ज़्यादातर मट्टी में रहने वाला सांप है, गीली मट्टी में। सो गार्डनिंग प्लांट जहाँ जहाँ से एक जगह पे दूसरी जगह पे गए कुंडियों में, वो सांप ये सांप उनके साथ चले उनके गए। साथ कुंडियों में चले गए। ऐसे में मैंने एक देखा है पिछले 2 साल में, ज़्यादातर लोग बिल मुझे सांपों में इंटरेस्ट है इसलिए मैंने उन्हीं के ऊपर कंट्रोल कॉन्सेंट्रेट किया, तो सांपों को मारते नहीं है, या तो ढकेल ढकेल के बाजू में कर देते हैं या फिर कोई पकड़ने वाला है तो पकड़ते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। सो एज फार एज पॉसिबल जितना हो सके उतना, अगर आपके घर में या फिर घर के बाजू में बाहर में कहीं पे भी सांप अगर दिखाई देता है तो उसकी तरफ मत देखो, वो अपने आप चला जाएगा। आपके घर में अगर सांप आता है, अगर समझो कि एक 5 फुट का सांप आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी दिन आपके घर में आया, इसका मतलब ये है कि वो पिछले 4-5 साल से उसके बचपन से आप ही के घर के आसपास कहीं तो भी है, इट्स एन एक्सीडेंट कि वो आपको दिखाई दिया है। सो बेटर इग्नोर देम, वो अपने आप चले जाते हैं। तो दर्शक मित्रों, आ हता आजना चंचल न्यूज। वधु समाचारों साथे सोमवारे फरी मळीशुं। त्यां सुधी अमने रजा आपशो। नमस्कार।